यकीनन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे महसूस कर सकता हूँ कि लोगों का इसमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव टू फिनिश अवर प्रोग्राम बाय 8:30 एंड इट्स ऑलरेडी 9 PM, सो द डिनर इज रेडी। मैं तमाम हाजरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी इस तादाद में शिरकत, दामून टोल्ड मी इज अबाउट 140 पार्टिसिपेंट राइट नाउ, दैट वॉज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द हॉल। और मैं यकीनन हमारे यूनिवर्सिटी से हमारे साथीदार मौजूद हैं, मैं उन तलबा से इंतहाई माजत खा हूँ क्योंकि द ऑनलाइन जो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई उसमें अंदर तकरीबन हमें 200+ लोगों ने हमें आने का कहा था कि हम सभी कर रहे हैं, तो फिर लास्ट डे हमने जो है वो जितने भी हमारे जूनियर्स और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं हमने उनसे माजत की कि हम ऑलरेडी हाउसफुल हैं तो हमने उनके लिए हम अलग प्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर साहब जावेद साहब एनआईटी से मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से भी हमने माजत की कि हम एनआईटी के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर। तो आपकी इस भरपूर शिरकत ने यकीनन हमारे हौसलों को एक ताकत दी है और डेफिनेटली आपका आपकी शिरकत हमें बता रही है कि हम इन प्रोग्राम को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और मुस्तकिल तरीके से प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में थोड़ी सी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 मिनट लगेंगे। अब्दुल वाहिद साहब से गुजारिश करना है सर यहाँ तशरीफ लाएं। अब्दुल वाहिद साहब एक्स PTL। जोहर साहब जो है वो हमारे जो पैनल डिस्कशन के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गिफ्ट देंगे। वही साहब से गुजारिश है कि सब प्लीज आए और यादगारी सीट रिसीव करें। उसके बाद में कैसर बंगाली साहब से इंतहाई मशहूर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपनी यादगारी सीख लें। उसके बाद में आफ्ताब आलम साहब हमारे सीनियर मोस्ट यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल वाहिद साहब के बैच फेलो हैं और उर्दू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं प्लीज। यकीनन जब प्रोग्राम का इनेगाद होता है तो उसमें कुछ चेहरे सामने नज़र आते हैं और कुछ चेहरे पसे पर्दा होते हैं जिनमें जो कि जिनका बहुत बड़ा किरदार होता है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करने में। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर रिसेप्शन की जो जिम्मेदारी है वो जी एक्सिस की टीम ने संभाली हुई थी। मैं तारिक मसूद जी एक्सिस CEO से गुजारिश करूँगा कि आएँ और वो अपना अवार्ड हासिल करें। उसके बाद यकीनन जहां हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यकीनन एक मेहनत की, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो प्रोग्राम को फाइनेंशियल सपोर्ट का है, तो हमें इस प्रोग्राम के अंदर हमारे दो फाइनेंशियल पार्टनर थे, मेन जो है हमें वेदरफोर्ड ने स्पॉन्सर किया, दूसरा हमें मास इंटरनेशनल ने स्पॉन्सर किया। हम टीम वेदरफोर्ड के इंतहाई मशहूर हैं, शुएब फारूकी यहाँ मौजूद है, हम उनके इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने जो हमारा मेन स्पॉन्सर था उन्होंने इस प्रोग्राम को इनेकाद करने में, इसको कामयाब बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और शुएब फारूकी ख़ुद एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है एंड
a good expert in energy sector, and definitely in the future we will invite him for the lectures and conference calls. So please come and receive your shield from Moinsa. Moinsa, please. दूसरे हमारे स्पॉन्सर मास इंटरनेशनल, एक नया नाम लेकिन इंतहा उम्दा तरीके से मार्केट में इन हुए हैं, लोकल आप भी के इंडस्ट्री के लोग हैं और यकीनन आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं मोहम्मद अफजल साहब से गुजारिश करूंगा कि वह अपना नाम उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायद बहुत सारे लोगों के सामने मेरा चेहरा रहा और मेरी कम्युनिकेशन रही, लेकिन यकीनन इसके पीछे एक डेडिकेटेड टीम थी जिसने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। वैसे तो कहते हैं कि किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ है, लेकिन हमारे चक्कर में उल्टा है, यहाँ दो मर्दों का हाथ है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो स्ट्रेटजीज को देख रहे थे चीज़ों को बनाने में, दामून और आसिफ जदीदा वेरी गुड जॉब और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फ्राजी साहब, मैं चाहूँगा कि आप इनको इनाम दें। दामोन, प्लीज कम। उसके बाद आसिफ, जैसा कि उन्होंने आपके सामने पेट्रोलियम क्लब का इंट्रोडक्शन रखा, ही इज रियली एक्सीलेंट गाय फ्रॉम एलएमकेआर, ही इज रियली अ मेंटोर, तो प्लीज अपना निशान। तो आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फ्रांसिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम का अख्तिताम अपनी क्लोजिंग वर्ड से करते हैं। बस मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा देर आपके और खाने के दरमियान हाजिर नहीं होऊंगा, और बस इतना कहना है कि पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अगेन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था, शायद वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे इसलिए कह दिया होगा, इसलिए हम भी अब एक इस प्रोग्राम से जो कुछ हमें हासिल हुआ है, जो मालूमात हासिल हुई है, उसको एक पॉजिटिव चीज़ मिले। प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेना ही बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अगर हमने वो भी कर लिया तो बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हमने प्रॉस्पेक्ट वाइज भी देखा कि पाकिस्तान जो है टैलेंट के हिसाब से भी, ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से भी और हाइड्रोकार्बन रिसोर्स के हिसाब से भी कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह, और नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग in the exploration, development and all the energy sector business. With this, I will close this session and invite you all for the dinner. Thank you. Buffet साथ इसमें लगा हुआ है, उसमें वहाँ से लेके आप वापस यहाँ आके बैठ के खा सकते हैं और अपनी socialization आप कर सकते हैं।